हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में देख रहे थे, है ना। अभी उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि इफ वी चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस या कंडक्टर बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इट, देन इन दिस केस रेजिस्टेंस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर। और मैंने ये बताया था कि जब क्या होगा कि आप इफ वी चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर्स बाय एक्स परसेंट, देन इट्स रेसिस्टेंस विल देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिजल्ट 1 ± x^(-2 − 1)×100। उसके बाद मैंने ये बताया था कि देखो क्या होगा इसमें, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज्ड बाय एक्स परसेंट व्हाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर, देन वेयर एक्स क्या होगा 5 से क्या होगा कम होगा। आई मीन यदि वायर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस करके उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को 5% से कम चेंज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन आर विल बी इक्वल टू क्या होगा ±2x%। और प्लस और माइनस कब लेना है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हम क्या करें, कुछ कुछ डिफरेंट सिचुएशन में रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां दिया हुआ है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी रो एज शोन इन द फिगर, ठीक है। क्या है, कोई सिलेंडर है जिसका लेंथ क्या है एल है, एरिया रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है स्मॉल आर, और वो किस मटेरियल से बना है, जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना है रो है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। देन आपने को क्या करना है, दोनों एंड ए एंड बी के बीच रेसिस्टेंस क्या होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो दो मेथड मैं बताऊंगा, है ना, क्या है दो मेथड्स है जिसको यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट। पहले क्या है, पहला मेथड जो है वो क्या है, सबसे पहले क्या, जिस दो एंड के बीच आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए, है ना, एक एंड से करंट क्या करो इंटर कराओ और दूसरे एंड से करंट को क्या करो बाहर आने दो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए एंड बी के बीच क्या करना है रेसिस्टेंस निकालना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है इंटर हो रहा है, और यहाँ से क्या है करंट जो, और हमने मान लिया कि रिलेट आई इज द करंट इंटरिंग एट ए एंड आई सेम करंट इज इंटरिंग एट बी, ठीक है, यहाँ आई हमने ये मान लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे ही हमने करंट मान लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशन लिखेंगे, है ना। अब मुझे क्या करना है कि करंट, अब देखो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ इसके अंदर इस कंडक्टर कंडक्टर है सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे ही होगा क्या, ई होगा, ठीक है। अब हमने ये माना कि यहां से देखो ध्यान से, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स क्या है डी एक्स विड्थ का हमने क्या किया सिलेंडर कंसीडर कर लिया या डिस्क कंसीडर कर लिया, सॉरी सिलेंडर में डिस्क। अब देखो यहां क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपल क्या है, यहां क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सेम है, तो हम डायरेक्ट भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, जे स्केलर फॉर्म है, जे इक्वल टू क्या होगा, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। जे को हम क्या लिखते हैं आई अपॉन क्या लिखते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ई, एक इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ क्या है, ए क्या होगा, ये यहाँ लिख सकते हो आई अपॉन हम लिख सकते हैं पाई क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है।
सबसे पहले क्या लिख रहा है, करंट मान लेना है, उसके बाद जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख देना है, ठीक है, फिर आई अपॉन ए सिग्मा इंटू ए, आई अपॉन सिग्मा को यहाँ अभी भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं कि आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन रो इंटू ई, ठीक है, इसको अभी भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ तक आना है आपको, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू लिख सकते हैं रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आई, यहाँ तक आ जाना है, हमेशा ये माइंड में रखना है। पहले सुनो ध्यान से, क्या करना है, करंट कंसीडर हमने कर लिया, इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मेथड समझो क्या, हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, डायरेक्ट क्या है, करंट मान लिया ए टू बी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद हम जानते हैं कि जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हम लिख रहे हैं, उसके बाद आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा इंटू ई, मेथड फर्स्ट मैं लिख देता हूं, इसका नाम एम वन, ठीक है, उसके बाद हम यहां आ गए। अब एक रिलेशन होता है जो हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस dV अपॉन क्या होगा dx, हमने x इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, यहां से हम लिख सकते हैं, देखो dV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस E dx, और देखो यहां क्या है, मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, देखो अब इंटीग्रेट कर दें तो डी वी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ई डी एक्स, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस होगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो जीरो टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मेथड था, जनरल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा भी मेथड है जो मैं बताऊंगा, एकदम छोटा सा मेथड है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इधर अब इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो ये क्या मिलेगा, वी इंटीग्रेशन आई मीन लिमिट वी प्लस वी माइनस इक्वल टू क्या होगा माइनस ई इंटू एक्स, और एक्स का लोअर लिमिट क्या होगा जीरो एंड अपर लिमिट क्या होगा एक्स, तो जब आप इसको लिखोगे वी प्लस माइनस वी माइनस इक्वल टू क्या होगा ई इंटू क्या होगा एक्स, और इसी को हम क्या मानते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या लिखते हैं वी लिखते हैं, वी इक्वल टू क्या होगा ई इंटू, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा अलग मिलेगा, अभी इसमें कई चेंजेज होंगे, अभी सिंपल मैं बता रहा हूं, तो वी इक्वल टू ई इंटू क्या हुआ एल हो गया, अब ये क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा देखो, तो वी अपॉन एल इक्वल टू क्या हुआ रो अपॉन पाई आर स्क्वायर आई, तो वी इक्वल टू क्या हुआ रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर आई, अब यहां लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग ओम्स लॉ, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा बाई कंपेयरिंग कंपेयरिंग वी इक्वल टू आई आर वी गेट क्या होगा वी गेट आर इक्वल टू क्या होगा रो एल अपॉन क्या होगा पाई आर, देखो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है लेंथ सेम है, तो हम जानते हैं कि रो इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन क्या होगा, ये वो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप बोलोगे सर आप तो टाइम पास कर रहे हो, लेकिन टाइम पास नहीं है, हर टाइम आपको ऐसा ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का कहाँ पढ़ा था रेट ऑफ हीट फ्लो में भी हमने बताया था, जो भी मैंने वहां बताया था वही क्वेश्चन मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, तो ये क्या हुआ रेसिस्टेंस कितना मिला एंड ए एंड बी के बीच रेजिस्टेंस कितना मिला रो एल अपॉन क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, एक मेथड ये था, दूसरा मेथड देखो मैं क्या मानता हूं, यदि मैं मान लूं
कि dx का मैंने यहां मान लिया, देखो ध्यान से मेथड अब क्या लिख रहा हूं टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट डी डी ओम इज द क्या इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, क्या होगा लेंथ डी एक्स, ठीक है। तो इसका यहां लिख सकते हैं डी ओम आई मीन डी ओम क्या है, डी ओम इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं डी आर सॉरी डी ओम नहीं लिखना चाहिए, डी आर गलत लिख दिया, डी आर तो डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, तो रो इंटू एल, इसका एल इसका लेंथ कितना है डी एक्स है, हमने क्या लिखा डी एक्स अपॉन ए, देखो एक स्टेप में आ जाएगा इस। अब देखो यहां ध्यान से हम लिख सकते हैं डी आर, तो डी आर अब आर इक्वल टू क्या लिखेंगे यार, रो ठीक है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे ए। अब ये यदि कांस्टेंट होगा तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। देखो बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है, आप हमेशा हमको हम क्या करेंगे दोनों मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से क्या होगा, आर इक्वल टू रो क्या हो जाएगा, तो सिंपल याद रखना है कि जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट रो एल अपॉन क्या यूज कर सकते हैं, रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो R इक्वल टू यहां क्या होगा, R इक्वल टू रो अपॉन A, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही है ना हर जगह यार, A इंटीग्रेशन 0 टू L dx। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, रो L अपॉन A, और क्या लिखोगे, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। तो याद रखना है कि हम डायरेक्ट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, हम यहां मैं नोट में लिख देता हूं, आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट कब यूज करोगे फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, तो जब भी क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो यहां लिख लो इफ ए इज क्या होगा कॉन्स्टेंट, देन आर विल बी इक्वल टू क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन क्या होगा, याद रखना। तो देखो दूसरे फॉर्मूला से कुछ नहीं करना था, मुझे करंट भी कंसीडर नहीं करना था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा हाँ ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा चेंज होगा, अब हम ये वाला यूज करेंगे, जब भी क्या होगा इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉन्स्टेंट देन रो आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन क्या होगा, एल क्या होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो क्या होगा इट्स रेसिस्टिविटी। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, यहां दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूं कि ये कंडक्टर इज सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस ए एंड, इनर रेडियस ए एंड आउटर आउटर रेडियस बी इज मेड अप इज मेड अप विथ ए मटेरियल of resistivity rho as shown in the figure, ठीक है। then देखो then यहां भी क्या है, then यहां भी क्या करना है आपको, then हम लिख सकते हैं then find resistance between A में क्या है and A and B, between ends A and B
बी में क्या लिखना है, बिटवीन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। देखो सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर में मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सिलेंडर एक कोएक्सियल सिलेंडर है, यही इसका एक्सिस हो गया। उसके बाद ये इनर सिलेंडर हो गया, है ना, ऐसे, और यही मटेरियल भरा हुआ है ना, जिसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रो है। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और आउटर रेडियस जो है वो क्या है, बी है। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक एंड ए है एंड बी के बीच कैलकुलेट करना है, और इनर एंड आउटर सरफेस के बीच क्या है, कैलकुलेट करना है। अब इसका यदि आप टॉप व्यू ड्रॉ करोगे, टॉप व्यू नहीं आई मीन साइड व्यू, तो देखो मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, पहले तो एंड ए एंड बी के बीच कैलकुलेट करना है। तो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम दिया हुआ है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। देखो मेथड वन ही यूज करेंगे, आई मीन सिंपल फार्मूला लिख देंगे। तो आर ए बी, अब देखो तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये कब है, आर ए बी आई मीन एंड ए एंड बी, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रो एल अपॉन क्या होगा, पाई, अभी मैंने बताया था। तो ए का जो सॉल्यूशन होगा वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में प्रॉब्लम है यार। तो बी को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक सिंपल वाला मेथड जो अभी मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको वर्टिकल रख रहा हूं और फ्रंट टॉप व्यू में ड्रॉ कर रहा हूं, आई मीन ऐसे, या साइड व्यू में ड्रॉ कर रहा हूं, सम ऐसे आप सोचोगे यदि इस क्वेश्चन को ही कंसीडर करें। देखो साइड व्यू आप ड्रॉ करोगे या सबसे अच्छा है क्या है, मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, तो कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ऐसा ये इनर और ये ऐसे कुछ होगा, और यहाँ क्या है, मटेरियल भरा हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि यहां से मैं आर रेडियस का, आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस का हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसीडर कर लें, उनका रेसिस्टेंस लिख दें। तो हमने मान लिया, यहां से देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर देता हूं, या चलो ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये सब्जी दी। अब हमने क्या किया, यहां आर रेडियस का है ना, देखो ध्यान से, ये आर रेडियस का एक डी आर थिकनेस का हमने सिलेंडर ड्रॉ किया। ये थिकनेस क्या हो गया आपका, डी आर मैंने, और ये रेडियस क्या हुआ, आर हो गया। आप ये ध्यान देना, इधर ही और इधर भी आप देख सकते हो, इधर इसका ऐसे आप देखोगे, देखो इधर मैं ये
ये ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। तो अब क्या होगा कि ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ आर रेडियस या डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर, बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आए, नहीं तो चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या किया है, इस सिलेंडर को हमने वर्टिकल रखा और टॉप भी क्या किया, दिखा दिया इसका। ए है, दिस इज बी, दिस इज आर एंड दिस इज डी आर। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया था कि डी आर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग, रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल सिलेंडर। यदि मैं डी आर लिखूं तो डी आर इक्वल टू, अभी मैंने बताया था क्या लिखेंगे, रो इंटू डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, यही होगा ना, अभी मैंने बताया रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बता सकते हो क्या होगा, देखो तो इस सिलेंडर का एरिया क्या होगा, टू पाई आर एल होगा, क्या कितना होगा, अरे ये देखो, यही मान लो कि स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर है, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिखोगे, टू पाई आर एल लिखोगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, टू पाई आर एल। इसको जब देखो इसको ओपन करोगे तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, टू पाई आर, और लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई आर एल। तो वैल्यू रखो, डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो डी आर अपॉन टू पाई एल आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, रो डी आर अपॉन टू पाई एल आर। आर देखो ये रो अपॉन टू पाई एल कॉमन होगा, तो डी आर अपॉन आर ए टू बी, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, यहाँ रो इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी आर इक्वल टू क्या होगा, रो टू पाई एल एल एन क्या हो जाएगा, बी अपॉन क्या हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस मिला कब, इनर एंड आउटर सरफेस के बीच, दिस इज द रेसिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, इनर एंड आउटर सरफेस। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ, बी क्या है, आउटर रेडियस, ए क्या है, इनर रेडियस। तो ए इंपॉर्टेंट। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग। तो ये मेथड हमने क्या यूज किया था, मेथड फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड मेथड है उसको हम कैसे सॉल्व, उससे उसको यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आसान है, सबसे अच्छा क्या है, डी आर लिख डालो, और उसके बाद क्या करो, आप डी आर लिखने के बाद डी आर लेंथ कंसीडर कर लो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दो, और डी ओमेगा, सॉरी डी आर इक्वल टू क्या होगा, रो डी आर या डी एक्स अपॉन एरिया, फिर इंटीग्रेट कर दो, एक स्टेप में आता है आंसर, किसी का भी फाइंड आउट कर। अब देखो मेथड टू में क्या करना है, ये लॉन्ग मेथड है लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। यही क्या है, ए सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस क्या है, ए सिलेंडर दिया हुआ है ना, यही क्या हुआ, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दिस इज लेंथ एल, और दिस इज बी रेडियस, एंड दिस इज
ए रेडियस, ठीक है। और यही मटेरियल है, हो गया। अब क्या करना है मुझे, करंट कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, सॉरी करंट नहीं, करंट भी कैलकुलेट, बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनर आउटर के बीच क्या होगा यदि करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस मालूम है तो V इक्वल टू आई आर हम यूज करके कैलकुलेट। अब यहाँ क्या करना है कि हमने मान लिया कि करंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर ऐसे, आई मीन करंट का डायरेक्शन ऐसे है। देखो हर डायरेक्शन में ऐसे होगा करंट, क्योंकि सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। देखो क्या होगा, यही सिलेंडर मानो और करंट क्या है, लैटरल सरफेस के परपेंडिकुलर, आई मीन जब क्या करे करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, ऑफकोर्स बैटरी कनेक्ट किया गया होगा, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, करंट यहाँ से क्या, करंट आई इनर सरफेस टू आउटर सरफेस इज फ्लोइंग। तो हमने मान लिया कि लेट आई इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। ठीक है। अब अगेन मैंने बताया, जब आई हमने लिखा तो सबसे पहला अपना क्या था कि ओम्स लॉ, मेन ओम्स लॉ क्या है, जे इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ई, और इसको लिख सकते हैं आई मीन रो जे इक्वल टू ई, तो रो आई अपॉन क्या लिखेंगे ए इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ तक आ जाना है, या ये भी रिजल्ट याद रखो डायरेक्ट, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यदि आर डिस्टेंस पे डी आर सिलेंडर कंसीडर कर दें, तो आर डिस्टेंस पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या माना, आर रेडियस का हमने मान लिया। देखो मैं इधर दिखा देता हूं, एक स्मॉल आर रेडियस का डी आर थिकनेस का हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यही क्या है, इसका रेडियस ए रेडियस आर है और ए थिकनेस क्या है, डी आर है। तो इसका एरिया कितना होगा आप बता सकते हो, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका नहीं, आई मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। तो यहाँ लिख सकते हैं रो आई अपॉन 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बी अपॉन डी आर। और देखो आई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं रो आई अपॉन 2 पाई एल डी आर अपॉन आर माइनस डी बी, लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो रो आई अपॉन 2 पाई एल एल एन, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं बी अपॉन ए, क्योंकि आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए टू बी होगा। तो हमने लिख दिया और यहां लिखा तो कितना हो जाएगा, v प्लस v माइनस, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं रो आई अपॉन 2 पाई एल एल एन बी अपॉन ए इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, और इसी को हम क्या मानते हैं, v मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो i इंटू हमने क्या लिखा, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी अपॉन ए इक्वल टू, अब बाई कंपेयरिंग क्या होगा, बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी अपॉन क्या हुआ है, ठीक है। तो एक रिजल्ट आपको मालूम चल गया, तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि देखो ये 3-4 क्वेश्चन जो है जिसमें जनरली रेसिस्टिविटी आई मीन रेजिस्टेंस वगैरह पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल हो तो आप इसका आंसर जो है याद कर जाना। एक जगह जो मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका एक जगह रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख लो
और वैल्यू लिख करके उसको रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको टाइम, और यदि आप कैलकुलेट कर सकते हो देन इट्स ओके, लेकिन बेटर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आंसर इसका याद रखो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिलेंडर यदि इनर रेडियस ए दिया हुआ है, आउटर रेडियस बी दिया हुआ है और इनर एंड आउटर सरफेस के बीच रेसिस्टेंस पूछा जाए, तो रो अपॉन टू पाई एल इंटू एल एन बी अपॉन ए, रो अपॉन टू पाई एल, रो अपॉन टू पाई एल, एल एन इन ऑफ बी अपॉन ए, एल एन ऑफ रेशियो ऑफ आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहां बताया था तुम लोगों को, रेट ऑफ हीट फ्लो जहां पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि सॉलिड स्फीयर हैविंग इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी इज मेड अप विथ ए मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी रो, फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है, इनर एंड आउटर सरफेस, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है, स्फीयर है जिसका इनर रेडियस क्या है, ए है, आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रो है, क्या है, रो रेस। तो अपने को क्या करना है, इनर एंड आउटर सरफेस के बीच क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या है मेथड, फर्स्ट यूज कर देता हूं जो आसान वाला मेथड है, यही देखो क्या है, ए स्फीयर लिख देता हूं। ठीक है, यहां मटेरियल है, इसके अंदर और इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रो है। आपको इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस के बीच क्या करना है, अब हमने क्या किया देखो, यहां से आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ का स्फीयर कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो आप बता सकते हो इसका, तो हम यहां लिख सकते हैं इसका जो रेसिस्टेंस होगा, डिफरेंशियल क्या होगा, एक हमने क्या किया, एक क्या कंसीडर किया, स्फीयर कंसीडर किया जिसका इनर रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, एंड आउटर रेडियस क्या है, आर प्लस डी आर है। ठीक है, तो सिंपल मैं लिख कंसीडर है ना, क्या होगा, कंसीडर ए स्फीयर हैविंग इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस आर प्लस डी। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो अगेन रो, यहां थिकनेस क्या हुआ डी आर हो गया, तो डी आर अपॉन ए। अब इसका एरिया कितना होगा बता सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि मैं आर लिखूं तो आर इक्वल टू आर यहां क्या है बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, तो रो अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा और डी आर इसको लिख सकते हैं r के पावर माइनस टू ए टू क्या होगा भी, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो r इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन r ए टू क्या होगा भी होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा रो अपॉन 4 पाई ठीक है b माइनस a अपॉन क्या होगा a b ठीक है। अब यही रेसिस्टेंस मिल गया, देखो ये कितने आसानी से रेसिस्टेंस मिल गया। सिंपल क्या करना है क्रॉस सेक्शनल, देखो क्या है dr वेट कंसीडर कर देना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देना है और फिर आपको क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां क्या मिला r इज इक्वल टू रो है ना अपॉन ठीक है 4 पाई ए बी इंटू क्या हुआ बी माइनस ए, ये रेसिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, रेसिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ठीक है। उसके बाद तो आपको मालूम ही है मेथड टू जो है वो आप होमवर्क लिख लेना है ना, यहां भी क्या करना है मैं हिंट्स देता हूं आपको कुछ करना है मेथड टू, देखो यही क्या है ए इनर रेडियस ए आउटर रेडियस, ये मटेरियल है, यहां से करंट मान लो कि यहां से अंदर से यहां करंट क्या हो रहा है इंटर कर रहा है और आउटर सरफेस पे क्या है करंट जो है वो क्या है बाहर आ रहा है, यही होगा ना हर जगह यहां भी आप लिख सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अब मैं एरिया नहीं मान कंसीडर कर रहा हूं, अगेन यहां भी r डिस्टेंस पे r एंड r डिस्टेंस पे क्या करो dr विड्थ का क्या करो एक स्फीयर कंसीडर करो या शेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं शेल बोलते हैं ठीक है। तो यहां भी हम लिख सकते हैं देखो j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e और इसको लिख सकते हैं i अपॉन रो i अपॉन a इक्वल टू माइनस db अपॉन डी आर, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस रो आई ठीक है डी आर अपॉन क्या हो जाएगा ए, अगेन वैल्यू रख दो तो डी वी याद रखना यहां इनर सरफेस जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा आउटर सरफेस क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो हम इनर टू आउटर जा रहे हैं तो हम यहां इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे वी माइनस वी प्लस इज इक्वल टू माइनस रो आई ठीक है अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको सॉल्व करोगे तो अगेन वी इज इक्वल टू क्या होगा रो रो अपॉन 4 पाई बी माइनस बी ए बी 4 पाई ए बी इंटू क्या होगा बी माइनस ए ठीक है इंटू आई, यहां से कंपेयर करोगे तो आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहां एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अब यदि मैं लिख दूं कि b tends to क्या हो जाए, तो हमने क्या बताया कि इसके लिए क्या हुआ r का जो वैल्यू मिला क्या मिला रो रो इंटू बी माइनस ए अपॉन क्या मिला 4 पाई ए बी। अब यहां ये भी पूछा जा सकता है इफ क्या होगा a इक्वल टू r a इक्वल टू नहीं यहां ये लिख दें कि when b tends to क्या हो जाए infinity, outer radius क्या हो जाए infinite हो जाए, तो क्या होगा तो r is equal to क्या हो जाएगा rho upon 4 pi a
इनटू, देखो बी अपॉन बी माइनस क्या हो जाएगा, ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी, यही हो जाएगा ना, ए वन हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या, सॉरी आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन फोर पाई ए इंटू क्या होगा, इंटू वन माइनस जीरो, क्योंकि ये जब बी टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू रो अपॉन फोर पाई, ये भी कभी कभी क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है नोट में लिख लो। दूसरा एक पॉइंट और इसमें पूछा जा सकता है, जो जी पॉइंट तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, देखो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर फाइव इवन आप इरोडो जब सॉल्व करोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसको क्या करना है, सेकंड में लिख लो कि सेकंड जो पॉइंट है इसमें कि इफ इफ ए शेल इफ ए शेल इज शेल ऑफ रेडियस रेडियस आर एंड, ये रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस थिकनेस टी इज मेड अप विथ ए मटेरियल मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी रो देन रेसिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस इज गिवन एज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब यहां क्या करना है, यही फॉर्मूला होगा लेकिन हम क्या करेंगे कि R इक्वल टू, अब देखो यहां क्या लिखेंगे, पहले तो ये मान लेंगे R इक्वल टू क्या होगा, देखो दिया हुआ है क्या, R इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं रो इंटू टी अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। शेल के लिए क्या करते हैं, ये मैंने बताया था कहां, जब थर्मल हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने ये पॉइंट बताया था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो R इक्वल टू क्या, रो टी अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई मीन यदि शेल का थिकनेस टी दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, तो यहां हम क्या मानते हैं कि पहले तो मान लेते हैं कि ए नियरली इक्वल टू बी एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, और बी माइनस सॉरी इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं आर आई मीन रेडियस, और बी माइनस ए नियरली इक्वल टू क्या मानते हैं थिकनेस, तो आंसर आता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग ट्राई करना, वहां भी मैंने बताया था और आंसर भी मैं उसका लिख दूंगा, ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई दैट क्वेश्चंस, है ना। तो क्या होगा उसको आप खुद से एक बार ट्राई करना कि वो क्या दिया हुआ है, टर्नकेटेड कोण मैंने बताया था, है ना, क्या है टर्नकेटेड कोण बताया था आपको, तो उसको आप होमवर्क लिख लेना और ट्राई करना। टर्नकेटेड कोण के लिए भी बताया था शायद, और ट्रिक भी बताया था कि इसका आंसर याद कर दो, याद कर दो, याद आया एरिया इक्वल टू पाई ए बी। देखो एग्जांपल मैं क्वेश्चंस नहीं लिख ले रहा हूँ, ये क्या है टर्नकेटेड कोण है जिसका ये किसी भी बुक में भी दिया होगा आप देखे हो, ठीक है। इसका ए वाला रेडियस क्या दिया हुआ है ए, इसका ए वाला रेडियस क्या दिया हुआ है बी, ठीक है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ। अब इसको आप जब प्रूफ करना, लेकिन है ना यहाँ रेसिस्टिविटी क्या दिया हुआ है, तो ए एंड ए है और दूसरा एंड क्या है बी है, तो इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल इसका जो फिगर हम ड्रॉ करते हैं इसका आंसर लिख देता हूँ, लेकिन हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि दिस इज द क्या होगा, दिस इज इक्वेलेंट टू द सिलेंडर, है ना, हैविंग
लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, ए इक्वल टू पाई ए बी, ए इसका आंसर होता है और ए रेसिस्टिविटी का रो दिया होता है ए एंड बी। लेकिन डायरेक्ट मत लिखना, दोनों मेथड से सॉल्व करना, सॉल्व करके आप लोगों क्या करना है मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना है। ऐसे नहीं है कि आप, मैंने यहाँ लिख दिया तो देखो ए दिस इज इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, बस जस्ट ट्रिक के लिए है ना। तो अब तो इसका आप आंसर जानते ही हो कि आर ए बी कितना होगा, रो एल अपॉन क्या होगा पाई ए बी, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये टर्नकेटेड कोन है जो मैंने हीट ट्रांसफर पढ़ाया था, वहां भी बताया था और वहां भी प्रूफ भी कराया था ये। तो इसको आप क्या करना, दोनों मेथड से एक सॉल्व करना। एक तो यहां से एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस पे क्या है डीएक्स विड्थ का आप क्या करना है, डिस्क कंसीडर कर लेना, उसके उसका रेसिस्टेंस लिखना और फिर इंटीग्रेट कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि टर्न कटेड कोन इज इक्वेलेंट टू द सिलेंडर हैविंग क्या होगा, सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए बी एंड लेंथ एल। तो इस ये दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।